बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेशनल सेविंग ने न्यू प्रॉफिट रेट्स का ऐलान कर दिया है। प्रॉफिट रेट्स का ऐलान दो दिन पहले हो चुका है, लेकिन चूंकि रेट्स कंफर्म नहीं हो पा रहे थे और आज ही रेट कंफर्म हुए हैं, तो कंफर्म होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यहां पे ये भी बताता चलूं कि आपके लिए प्रॉफिट रेट के हवाले से अच्छी खबर मौजूद नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। तो कंपेयर भी करेंगे, पहले वाले प्रॉफिट रेट्स भी यहाँ पर आपके सामने आ रहे होंगे और अभी के भी आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को देख के कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसका जो पहला प्रॉफिट रेट है उसको कम किया गया है। पहले आपको जो है वो तकरीबन 18.20% बनता था, एक से लेके जो 5 तक की जो प्रोडक्ट थी इनकी, यानी कि 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल तक की जो आपको प्रॉफिट मिलता था वो 18.20% था, अब 18% है, और लास्ट वाले पे 19% था और अब भी 19% है, जो कि पहले वाले में 9100 बनता है, पहले बनता था अब 9000 है, और जो सेकंड वाला उसमें 9500 बनता था अब 9500 ही है। उसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट रेट हैं उनको भी कम कर दिया गया है, और उनके बाद अब अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वैल्यू 1 साल बाद पहले 1,12,000 थी, अब 1,10,000 है। उसके बाद ईयर 2 की वैल्यू 1,25,000 है, ईयर 3 की 1,40,000 है, उसके बाद ईयर 4 की 1,60,000 है, उसके बाद 1,85,000 है, उसके बाद 1,15,000 है, 1,50,000 है। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हुई है, बाकी वैल्यू उसकी सेम ही है। उसके बाद आ जाते हैं जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, तो इसका पहले मुनाफा था 1,00,000 पे 15.12% के हिसाब से 1,260 रुपये, अब जो है वो 16.8% के हिसाब से आपको 1,340 रुपये मुनाफा मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा इजाफा है। उसके बाद आते हैं जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर इस वक्त जो पहले मुनाफा आपको मिल रहा था वो 1,00,000 पर आपको जो है वो 16.56% के हिसाब से 1,380 था, लेकिन अब उसको कम करके 13.32% दिया जा रहा है, जो कि 1,360 रुपये बनता है। पेंशनर का भी सेम ही है, तो इसका मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। उसके बाद शोदा, पेंशनर और बहबूद, इन तीनों का जो प्रॉफिट रेट है वो बिल्कुल सेम ही जाता है, यानी कि अगर इन तीनों के प्रॉफिट रेट्स कम हुए हैं तो इन तीनों के प्रॉफिट रेट्स कम होने के बाद माहाना 1,360 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो मुनाफा है वो भी डिक्रीज़ किया गया है। पहले 3 मंथ के ऊपर आपको 5,435 रुपये मिलते थे, अब आपको 5,400 मिलेंगे। 6 माह के ऊपर पहले 10,860 थे, अब आपको 10,830 मिला करेंगे, यानी कि 30 रुपये कम है। 1 साल के ऊपर पहले 21,800 थे, अब 21,720 है। इसी तरह सेविंग अकाउंट के ऊपर पहले जो मुनाफा आपको मिल रहा था वो मिल रहा था जी वो 19.50% था, अब वो इजाफा हो गया 20.50% हो गया है। उसके बाद जो सर्वा की इस्लामिक टर्म अकाउंट हैं सीता वाले, उनकी जो मुनाफा है उसको भी कम कर दिया गया है। पहले 1 साल के ऊपर आपको 21.80% था, अब जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 21.8 आ चुका है। जो दूसरा था 2 साल वाला, 3 साल वाला, उस पर पहले 18.33 था, अब 18.23 है, और 5 साल के ऊपर पहले 15.12 था, अब 15.72% है। तो यहाँ पे मिला जुला है, एक में इजाफा किया गया और एक में कमी की गई है। उसके बाद सर्वा का इस्लामिक सेविंग अकाउंट आ जाता है। सर्वा का जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उस पर अब आपको जो मुनाफा है पहले 19.50 था, अब 20.50% देखने को मिलेगा। तो ये हैं जी ताज़ा तरीन नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट्स। मजीद वीडियोज़ के लिए बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।